हेलो फिफ्थ क्लास, दिस इज योर मोरल साइंस लेसन नंबर 10। दिस इज योर मोरल साइंस बुक, ओपन इट नाउ। आई एम जस्ट स्टार्टिंग योर लेसन टू रीड इट नाउ। नाउ दिस इज योर चैप्टर नंबर 10, द सैंडी रोड। सैंडी का मतलब क्या होता है? रेतीला रोड, जो जहां से हमारे कैमल वगैरह जाते हैं, बिकॉज कैमल के अलावा वहां पर और कोई एनिमल वहां पर अप डाउन नहीं कर सकता है। ट्रांसपोर्ट के लिए वहां ज्यादातर हमारे कैमल्स को ही यूज किया जाता है इन द डेजर्ट एरिया। हाउ अ मर्चेंट सेव्ड हिज और अपनी कंपनियन की, यानी उसके जो साथी थे उनकी जान उसने कैसे बचाई? थ्रू हिज डिटर्मिनेशन। तो यहाँ हम इसको पढ़ेंगे कि कैसे उसने मर्चेंट ने अपनी जान बचाई। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ मर्चेंट, था वहां पर इन अ स्मॉल विलेज में। द मर्चेंट डेल्ट इन डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स, में वो क्या करता था? अपना काम करता था, डील करता था वो, और वो अपने सामान को बेचने के लिए शहर में जाया करता था, जिसके लिए उसको क्या करता था, बहुत प्रॉफिट भी मिलता था। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो टाउन जाएगा टू ट्राई हिज, अपनी किस्मत को आजमाने जाएगा। तो उसने अरेंज किए कुछ लोग जो उसके साथ जा सके। ड्यूरिंग हिज जर्नी ही हैड टू पास, और उसको वहां पास करना था थ्रू अ डेजर्ट, एक रेतीला रास्ता पार करना था उसने। तो उसने कुछ पानी अपने अपने साथ, ठीक है, और चावल एंड फायरवुड, फायरवुड मतलब लकड़ी जलाने का कुछ सोर्स अपने साथ ले लिया, लकड़ी जलाने के लिए लकड़ियाँ। अकॉर्डिंग टू हिज प्लान, उसके प्लान के अकॉर्डिंगली पैक्ड हिज गुड्स इन सेवरल कार्ट्स में उन्होंने पैक कर लिया। जर्नी करनी उन्होंने शुरू कर दी अपने मेट्स के साथ, और जैसे ही वो डेजर्ट में पहुंचे, द सन वॉज शाइनिंग ऑन द फाइन सैंड के ऊपर, वो क्या हुआ, उसकी सन छुपने लग गया, एंड मेकिंग इट सेवरली हॉट, और वो बहुत ज्यादा गर्मी कर दी उसने। इन द डे टाइम नो वन कुड डार्क डेयर टू वॉक ऑन इट, और वहां इतनी गर्मी हो गई थी कि वहां कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता था उसके ऊपर चलने के लिए। वन कुड ओनली थिंक ऑफ इट थ्रू द डेजर्ट ड्यूरिंग द नाइट टाइम व्हेन द मून मेड द सैंड्स कूल, और जब वो मून वहां आता सैंड्स को ठंडा, तब वो चलना शुरू करते थे फॉर द नाइट, ताकि उनकी जर्नी को पूरा करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। व्हेन द अराइवल ऑफ द नाइट दे स्टार्टेड द जर्नी, वन ऑफ देम हैड द नॉलेज अबाउट द स्टार्स, की नॉलेज थी जिसके पास, जो रास्ता बता सकता था टू द अदर पीपल बाय रीडिंग द पोजिशन ऑफ द स्टार्स, की पोजिशन को देख के हम कहाँ जा रहे हैं, हमें किस तरफ जाना है, कहाँ हमने ब्रेक लेना है। तो एट डे ब्रेक में तो वो स्टॉप हो जाते थे, और जो रात हो जाती थी दे वर स्टार्टेड गोइंग टू देयर जर्नी, एंड ही रिलीज द ऑक्सन फ्रॉम द कार्ट, से उनको छोड़ देते ताकि वो कुछ घूम ले और कुछ खा सके, और वो फायर जला लेते थे एंड कुक द राइस बना लेते थे, और अपने फूड को अपनी जो इच्छा के अनुसार खा के अपना गुजारा कर लेते थे। दे स्प्रेड अ ह्यूज कवरिंग ओवर ऑल द कार्ट्स, के ऊपर भी उन्होंने स्प्रेड कर रखा था कवरिंग अपने ऑक्सन के ऊपर भी। आफ्टर वॉर ऑल द मैन लेट डाउन अंडर इट, और उसके कवर के नीचे वो अपनी पूरी रात गुजारते थे तब तक कि सुबह ना हो जाए, टिल द सन सेट ना हो जाए जब तक। व्हेन द सन सेट इन द अर्ली इवनिंग में होता था, तो दे अगेन बिल्ड फायर जला लेते थे वही सेम एज इट इज, और वहां वो आराम करते थे। ने नाइट आफ्टर नाइट दे ट्रेवल्ड इन सच अ मैनर कि वो रेस्ट नहीं ले पा रहे थे ड्यूरिंग द डे टाइम, और रात को चलना वो शुरू करते थे। तो वन मोर नाइट वी विल क्रॉस द डेजर्ट, में हम डेजर्ट क्रॉस कर लेंगे एक दिन और। एवरीवन वाज हैप्पी, सभी ये सुन के बड़ा खुश हो गए कि हाँ ठीक है, कम से कम थकान तो खत्म होगी हमारी। आफ्टर टेकिंग मील, उन्होंने इवनिंग में जैसे ही खाना लिया, मर्चेंट ने कहा कि चलो यू पीपल कैन थ्रो द वॉटर एंड द फायरवुड, आप गिरा सकते हो, बिकॉज टुमोरो हम वहाँ शहर तक पहुँच जाएंगे, एंड टाई द ऑक्सन को बांध लो और स्टार्ट करना शुरू कर दो अपनी जर्नी। द गाइड ने अपनी पोजिशंस ले ली सभी ने, और इन द लाइन ऑफ द कार्ट्स, बट द इंस्टेड ऑफ सेटिंग और गाइडिंग द ड्राइवर्स को गाइड किए बिना, वो भी वहाँ कार्ट के ऊपर बैठ गया ऑन द कुशंस पे। सून ही वॉज ऑन अ डीप स्लम्बर बिकॉज ही हैड नॉट स्लेप फॉर मैनी नाइट्स, तक वो नहीं सोया था डे टाइम में। तो क्या हुआ, द सन हैड बीन सो स्ट्रॉन्ग था कि वो ही हैड नॉट बीन स्लेप
प्रॉपरली वो सो नहीं पा रहा था, तो ऑक्सन वहां गया एंड फॉर द होल नाइट नियर डे ब्रेक हो गया, गाइड अवॉक उठा एंड लुक्ड एट द लास्ट स्टार फेडिंग इन द लाइट में देखे उसने, तो ही सेड टू द ड्राइवर्स को बोला स्टॉप वी आर इन द सेम प्लेस वेयर वी वर यस्टरडे, कि रुको हम जहां कल थे अभी भी हम वहीं पर हैं, हम घूमकर वहीं आ गए हैं। द ऑक्सन मस्ट हैव टर्नड अबाउट वाइल आई स्लेप्ट, दे रियलाइज द ऑक्सन बट देयर वॉज नो वाटर टू ड्रिंक, अब उनके पास आग जलाने के लिए ना तो लकड़ियां थी, दे स्प्रेड आउट द कवरिंग हटा लिए थे उन सब ने, और ऑक्सन ने भी थक चुके थे, प्यासे हो रहे थे सभी। द मैन ले डाउन टू सेइंग विदाउट फूड एंड वाटर हम मर जाएंगे, और हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है। Everyone was tired. अब सभी बिल्कुल थक चुके थे और बैठ गए। The merchant thought, this is no time for me to sleep. अब मेरे पास सोने के लिए टाइम नहीं है, मुझे पानी ढूंढना है, नहीं तो मेरे जो ऑक्सन है कैन नॉट स्टार्ट अनलेस, और जब तक उनको पानी नहीं मिलेगा मेरे ऑक्सन को तब तक वो नहीं चल पाएंगे। द पीपल नीड वॉटर अदरवाइज दे कैन नॉट कुक राइस, और लोगों के पास पानी नहीं होगा वो चावल नहीं पका पाएंगे। इफ आई गिव अप वी विल लूज, हम हार जाएंगे और हमें हो सकता है मर भी जाए हम लोग। देयर मस्ट बी वॉटर, कहीं ना कहीं आसपास पानी जरूर होगा, मैं अभी नीचे जाता हूँ और पास में ही कहीं ग्राउंड मिल जाएगा, मैं वहां से पानी देख कर लाता हूँ, कुछ ग्रास और कुछ सोच समझ के कि हाँ कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, मैं जाकर अभी लेकर आता हूँ, कहीं ना कहीं घास भी मुझे मिल ही जाएगी। तो उसके बाद क्या हुआ, ही रैन बैक एंड शेकिंग टू द पीपल गेट द स्पेड एंड द हैमर, की उसको आवाजें सुनाई दे रही थी। ऑल ऑफ देम जम्प्ड अप एंड रैन विद द मर्चेंट के ऊपर के पीछे भागने लगे टू द स्पॉट वेयर ही सॉ द ग्रास, और जहां पर उसको ग्रास दिखाई दी। दे स्टार्टेड डिगिंग, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिगिंग करना शुरू कर दिया, खोदना शुरू कर दिया। आफ्टर मच टॉयल दे स्टक अ रॉक को भी, उन्होंने चट्टान को भी तोड़ दिया। आफ्टर दिस दे कुड डिग नो फर्दर, द मर्चेंट जंप डाउन इनटू द होल में बैठ गया एंड दे हैड डग एंड केप द हिज ईयर टू द रॉक पे, उन्होंने कान लगा लिए। ही कॉल टू देम आई कैन हियर वॉटर रनिंग अंडर दिस रॉक, के नीचे जो है मुझे लग रहा है कि पानी की आवाज आ रही है। ही कॉल टू देम आई कैन हियर वॉटर रनिंग अंडर द रॉक, के चट्टान के नीचे पानी जरूर कहीं ना कहीं है और हमें वो ढूंढना पड़ेगा। वी मस्ट नॉट गिव इट, हम इसे छोड़ नहीं सकते। देन द मर्चेंट केम आउट ऑफ द होल से बाहर आया और उसने कहा अपने सर्विंग बॉय को, माय बॉय इफ यू गिव अप, अगर तुम छोड़ देते हो तो हम लॉस्ट हो जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं होगा, प्लीज गो डाउन Go down and try. The boy stood up, raising this hammer high above his head and hit the rock with the full strength. He did not give up, thinking the words of the merchant. Every time the hammer came down, he thought that everyone must be saved. और वो ये सोच के कि हाँ मैं किसी को मरने नहीं दूंगा, मैं हर एक को बचा लूंगा। अल्टीमेटली जो रॉक थी वो ब्रॉक हो गई और बॉय था हार्डली गॉट एनी टाइम टू कम आउट ऑफ द होल से बाहर आ सकता था, एंड इट वॉज फुल ऑफ वाटर, और वो उसमें पूरे में पानी भरा हुआ था और सभी लोगों ने वहां पर पानी पिया, एज इफ दे कुड नेवर गेट एनफ। दे वॉटर द ऑक्सन को भी पानी पिलाया उन्होंने, और उन्होंने वहां पर नहा भी लिया और पानी पी के नहा कर, और जब भी जैसे ही वो एक्स्ट्रा वुडन यॉक्स लिया, एक्सेस लिया उन्होंने वहां से, दे मेड अ फायर आउट ऑफ इट, वहां उन्होंने जो भी उनको वहां से मिला सूखा फूसा वहां से उन्होंने वो लिया और उसको आग जला के और वहां पर उन्होंने राइस बना लिए। अब उन्होंने अपना खाना लिया और पूरा दिन वहां आराम किया, एंड दे ऑल्सो प्लेस्ड अ फ्लैग भी उन्होंने अपने कुएं के पास लगा लिया, सो दैट जो पासिंग वाले ट्रैवलर वहां से पास कोई उनको देख सके और हैव वाटर और पानी ले सके। आफ्टर द सनसेट होने के बाद दे स्टार्टेड द जर्नी दो अगेन, जैसे वो पहले कर रहे थे, एंड दे सोल्ड द गुड्स मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट्स, और उन्होंने सारा जो सामान था अपना बेच दिया और बहुत अच्छे प्रॉफिट से, और वो खुशी खुशी अपने गांव रिटर्न वापस चले गए अपने विलेज में। तो इट वॉज वेरी नाइस स्टोरी कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, आशा की किरण अपने पास हमें जरूर रखनी चाहिए। ओके, नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज विल एंड डिटर्मिनेशन कैन अचीव एनीथिंग, अगर आप अपनी इच्छा अपने साथ रखेंगे दृढ़ निश्चय आपका आपके साथ रहेगा तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। ओके, नाउ फ्रॉम दिस पेज यू हैव टू कंप्लीट योर
कॉपी बुक एंड द बुक वर्क ऑल्सो। एंड आपके लेसन के लास्ट पेज में देर इज एन एक्टिविटी कॉर्नर पेज है आपका, आप उसको अपनी बुक्स में कंप्लीट करेंगे। ओके क्लास, एंड योर वर्क शुड बी नीट एंड क्लियर सो दैट आपकी हर कॉपी मेंटेन्ड होनी चाहिए प्रॉपरली। ओके।